हुआई P30 Pro और Samsung Galaxy S10 Plus दोनों स्मार्टफोन का इस कैमरा कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Samsung Galaxy S10 के साथ में कैमरा रिव्यू है, कंपैरिजन है हुआई P30 Pro स्मार्ट के फोन के साथ में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, एक हॉरिजॉन्टल में आता है, एक वर्टिकल में आता है। तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है कैमरा के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो पर। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दीजिए। गाइस मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कैमरा कंपैरिजन में हुआई P30 Pro के साथ में Samsung Galaxy S10 Plus। गाइस मेरा नाम है मानव, आप लोग देख रहे हैं बालाजी मोबाइल रिव्यूज एंड लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसकी अवेलेबिलिटी, तो Samsung Galaxy S10 Plus है, Amazon से मिल रहा है 73,900 इसकी प्राइस रखी गई है गाइस, तो कि एक बहुत ही कमाल का आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। ट्रिपल कैमरे का सेटअप है बैक में, 12 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा जिसका फिजिकल अपर्चर है f1.5 वाइड एंगल कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का जिसका फिजिकल अपर्चर f2.4 ये डेली फोटोज के लिए, और थर्ड कैमरा 16 मेगापिक्सल का जिसका फिजिकल अपर्चर है f2.2 ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, LED फ्लैश, ऑटो फोकस, HDR मोड सब देखने को मिल जाएगा, 4K रिकॉर्डिंग, फुल HD प्लस, HD प्लस, HD रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरे से कर सकते हैं। सेल्फी के दीवानों के लिए खुशखबरी की सेल्फी में आपको डुअल कैमरे का सेटअप है। स्मार्टफोन के आपको राइट साइड में ऊपर कोने पे दो जो होल्स दिख रहे हैं वही सेल्फी कैमरा, एक है 10 मेगापिक्सल का जिसका फिजिकल अपर्चर है f1.9 और सेकंड है 8 मेगापिक्सल का जिसका फिजिकल अपर्चर है f2.2 के, दोनों ही कैमरे वाइड एंगल के लिए हैं और डेप्थ सेंसर आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। गाइस ये आपके सामने कुछ कैमरा सैंपल Samsung Galaxy S10 Plus के साथ में। कमेंट करके बताइए कि Samsung Galaxy S10 Plus के कैमरा सैंपल्स आपको कैसे लगे, कमेंट कीजिए, करें वीडियो का पॉज तो तुरंत कमेंट कीजिए। एनीवे गाइस हुआई P30 Pro की बात करते हैं, इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 40 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा जिसका फिजिकल अपर्चर है f1.6 वाइड एंगल कैमरा है, सेकंडरी कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो जिसका फिजिकल अपर्चर है f2.2 और थर्ड कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है वो टेलीफोटोज के लिए जिसका फिजिकल अपर्चर f3.4 4K रिकॉर्डिंग, HD प्लस, HD रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरे से कर सकते हैं गाइस। और सबसे कमाल की बात ये कि इसके अंदर आपको जो 5X, 10X और 50X तक जूमिंग देखने को मिलती है। अगर आपको दूर की चीज देखनी है जहां आप खड़े वहीं से, तो आप 5X जूमिंग कर सकते हैं, 10X और 50X तक जूमिंग आप स्मार्टफोन से करके देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही क्लियर आपको इमेज दिखेगी या कोई भी चीज आप देख रहे हो एकदम क्लियरली बिना पिक्सल्स फटे आपको देखने को मिलती है गाइस। और जो सेल्फी के दीवानों की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसका फिजिकल अपर्चर f2.0 और बहुत ही कमाल का, लेकिन सेल्फी कैमरे में आपको एलईडी फ्लैश देखने को नहीं मिलती। और ये रहे आपके सामने कुछ कैमरा सैंपल हुए P30 Pro स्मार्टफोन के।
सो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वही P30 Pro फोन के कैमरा सैंपल्स। अब है कि भैया दोनों में से कौन से कैमरा सैंपल्स ज़्यादा बेटर है। अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की, तो गाइस वो फोन 73,900 का तो है ही, ये तो प्राइस है, लेकिन यह एक परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन है, कैमरे के मामले में इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। वो जो P30 प्रो स्मार्टफोन है, यह एक कैमरा स्मार्टफोन है, आपको बहुत ही कमाल के ट्रिपल कैमरे का सेटअप बैक में देखने को मिलता है, एकदम पिक्सल्स और फोटोज की क्लैरिटी मेरे को ज़्यादा अच्छी हुई P30 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिली। आपको कौन सी क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अवेलेबिलिटी की बात करते हुए P30 Pro की, तो अभी सामने नहीं आया, कमिंग सून इंडिया डिवाइस है, लेकिन 6 अप्रैल को ये सेल पे जाएगा। एनीवे गाइस, इधर आई कार्ड पे जाओगे तो इस आई कार्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के साथ में हुए P30 Pro फोन का पूरा कंपैरिजन। तो जाके देखिए आई कार्ड पे कि वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने कल इस वीडियो को पब्लिश किया था। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको कौन सा कैमरा सैंपल अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन है हुए P30 Pro। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस जो है परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन, उसमें आपको प्रोसेसर बहुत फास्ट देखने को मिलता है। सो इस वीडियो को एंड करते, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो फ्यूचर में पब्लिश हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम यूजर है तो _ मानव शर्मा डाले, मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब रिलेटेड कुछ पर्सनल फोटोज को मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज मानव फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।